स्वतंत्रता दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित समान ज्ञान इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिपेंडेंस डे 2023 भारत को अंग्रेजी से आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी और भारत इस वर्ष अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? तकरीबन 100 साल, तकरीबन 170 साल, तकरीबन 200 साल, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आप जान रहे हैं अंग्रेजों ने भारत पर तकरीबन 200 साल शासन किए थे, तो आंसर सी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? भगत सिंह ने, मंगल पांडे ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या चंद्रशेखर आजाद ने? तो आपको बताना है कि सही आंसर इसमें से क्या होगा। तो याद रहे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, या अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक? तो ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो सही आंसर होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखने की भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजा कहाँ फहराते हैं? इंडिया गेट में, भारत की संसद में, या दिल्ली का लाल किला में, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय में? तो आप जान रहे हैं तो जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं 15 अगस्त को ध्वजा फहराते हैं दिल्ली के लाल किला पर, तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। इस क्वेश्चन को देखने की जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ लिया था? 11 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947, या 15 अगस्त 1947, या 16 अगस्त 1947 को? तो जल्दी से बता सकते हैं सही आंसर आपके लिए क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करें भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1947 को? तो याद रहे तो आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? क्या कारण था? क्योंकि उसे बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी, क्योंकि उस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि इस दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी? तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाई थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो अंग्रेज, डच, फ्रेंच, या पुर्तगाली? तो आपको जल्दी से आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखने के पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? 9 अगस्त 1910 को गेटवे ऑफ इंडिया में, मुंबई में, या 7 अगस्त 1906 को इंडिया गेट के दिल्ली में, या 8 अगस्त 1908 को लाल किले के दिल्ली में, या 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में? तो आपको ये चार ऑप्शन को देख के सही ऑप्शन को बताना है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया था। दोस्तों, आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने, या लाला हरदयाली ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो आपको जल्दी से आंसर को बताना है। दोस्तों, आप सही आंसर भी चुन लिए होंगे। तो फिरोज शाह मेहता इज राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।